हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओई फूड कॉर्नर। आज की एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका नाम है आवाकाडो सलाद रेसिपी। सलाद गुड सोर्स ऑफ वाटर, इसलिए अपने भोजन में सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो आवाकाडो सलाद बनाने के लिए यहाँ मैंने एक खीरा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धुलाई कर लिया है, और इसका छिलका नहीं उतारना है आपको। आप चाहें तो इसका हल्का सा जो बीज होता है अंदर वो निकाल सकते हैं, इससे क्या होगा आपका सलाद गीला नहीं होगा। आप चाहें तो ना भी हटाएं तब भी चलेगा, ऑप्शनल है। और इसको छोटा छोटा काट के रख लीजिए। आप जानते हैं कि खीरे में अच्छा खासा पानी होता है, इसलिए ज़रूर आप इस्तेमाल करें खीरे का। और उसके बाद मैंने लिया है टमाटर, तो यहाँ मैंने बेबी टमाटो का इस्तेमाल किया है, तो इसको भी आप धुलाई करके इसको भी आप छोटा छोटा काट के रख लीजिए। आप जानते हैं कि टमाटर में भी अच्छा खासा पानी होता है, गुड सोर्स ऑफ वाटर, तो टमाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें आप सलाद में। टमाटर काटने के बाद में अब मैंने एक प्याज लिया है, इसको भी आप चाहे तो छोटा छोटा काट लीजिए या स्लाइस कटिंग काट लीजिए, कटिंग डिपेंड करती है आप पर। यहाँ मैंने हाफ स्लाइस टाइप का प्याज को काट कर रख लिया है, कुछ इस तरह के जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद अब मैं लूँगा एवोकाडो फ्रूट। देखिए ये है एवोकाडो फ्रूट, थोड़ा कॉस्टली होता है ये और बहुत ही फायदेमंद है ये फ्रूट। आप इसके बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं फ्रूट खाने से। जब भी आप मार्केट से लाते हैं तो एक दो दिन रखते हैं तो ये पक जाता है आसानी से। देखिए हमारा भी फ्रूट जो अच्छे से पक चुका है, क्योंकि बीच से हटना चाहिए तो किनारे से इसने छोड़ दिया है, इसका छिलका हटा देना है। और उसके बाद इसको भी आप कुछ छोटा छोटा काट के इस तरह से रख लीजिए। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है, खीरा टमाटर प्याज एवोकाडो। कटिंग हो जाने के बाद अब मैं एक बर्तन में इन सबको रखूँगा, एवोकाडो प्याज खीरा और टमाटर। और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा नमक, यानी स्वाद अनुसार। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च पाउडर। और उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सलाद को और भी हेल्थी बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें गाजर ब्रोकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उनको थोड़ा सा बॉईल करने के बाद इसमें ऐड करना और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में आपकी एक नई रेसिपी एवोकाडो फ्रूट सलाद बनकर तैयार है। आप इसमें चाहें तो पार्सले की लीव्स होती हैं या बेसिल की लीव्स होती हैं, उनको डेकोरेशन के तौर पर ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी एवोकाडो फ्रूट सलाद बनकर तैयार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय विथ न्यू रेसिपी एवोकाडो फ्रूट सलाद।